और हमारे भवानी विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक जी के चहेते और बहुत नजदीक माने जाते हैं, इनसे डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि यह विद्यालय की सोच बहुत सराहनीय सोच थी, जिन्होंने यह प्रथम मातृ पितृ पूजन के रूप में यह पहला कार्यक्रम अगुवाई किए हैं, इसलिए दोनों के बीच वार्तालाप चली और मुझे दोबारा मंच तक आना पड़ा। मैं निवेदन करता हूं भाई कृष्णलाल प्यासी जी से कि आप क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते ये आपकी व्यवस्था है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विद्यालय को जरूर अपना मानकर और कुछ न कुछ आज आप यहाँ के लिए दे के जाए, और ये हम सबका विश्वास भी है कि आप कुछ आज दे के ही जाएंगे। धन्यवाद। हेलो 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 श्री राधा। प्रस्तुत है एक माता रानी की भजन। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ, तुझो देवी सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे बारो भोली माँ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चल। माँ की ममता और पिता की क्षमता कि मैं इनके बारे में क्या बोलना चाहती हूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं और लिखने के लिए पेन की स्याही और पेज कम पड़ जाते हैं, ये दोनों जन्नत वे दरवाजा है जहाँ हमारी खुशियाँ का हर लम्हा होता है। आगे मैं अपने गीत को माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मम्मी तो दुनिया
बचाने के लिए और अपने बनाए रखने के लिए अपनी भारतीय परंपरा और अपने सभ्यता को, अपने शिक्षा और संस्कार को बनाए हुए आगे बढ़े, अपने उन्नति के लिए अपने माँ बाप का आशीर्वाद, अपने माँ बाप का स्नेह और अपने माँ बाप का प्यार अति आवश्यक है। इस अवसर पर यह पूजन संपन्न होगा जिसमें माता और पिता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, पर कुछ व्यस्तता के कारण और कुछ तो ऐसा है कि जानकारी नहीं मिल पाती, सही लोगों को सही जानकारी नहीं है। आमंत्रण पत्र तो पहुंचा है पर मातृ पितृ पूजन उनको समझ नहीं आ रहा है। हमारे अधिकतर अभिभावकों की ये है क्या, ये परंपरा ये कैसी है? कई लोगों का भी सूचना मिली मुझे कि ये बच्चों का होगा, हम नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। ये बच्चों का कार्यक्रम और हमारे अभिभावकों का है। अभी जो बच्चे, जिन बच्चों के माता पिता आए हैं या किन कुछ बच्चों के मम्मी बस आई हैं या कुछ पिता बस आए हैं, उनका स्नेह उन बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होगा, उनका मन उनका दिल माता और पिताओं का जो भाव विभोर हो जाएगा, जो स्नेह अपने बच्चों को प्रदान करेंगे वो हृदय से निकलेगा। और जब कहने के लिए तो सब कह देते हैं कि हम मानते हैं, पर वास्तविक जब हम पूजा पे बैठेंगे, मैं कहता हूं कि आपका हृदय इतना भाव विभोर होगा, इतना प्रफुल्लित होगा कि आप अपने जब मानो पूरे जीवन की खुशियां अपने बच्चों पर लुटा रहे हो, अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी खुशियां आप लुटा रहे हो, ऐसा प्रतीत होगा। ये भाव अपने से उत्पन्न आएगा, अंदर से ये भाव प्रकट होगा अपने बच्चों के प्रति कि हमारे बच्चे के उन्नति के लिए हम अपने बच्चों को अपनी सारी खुशियां लुटा रहे हैं। माँ और बाप ये दुनिया में जिसके पास हैं, पर होते किसके पास हैं, जो बड़े बड़े जिसको मान लो कि बड़ा ही खुश नसीब होता है, तो हम सब यहाँ बड़े खुश नसीब हुए कि हम सबको माता और पिता जन्मदाता मिले हैं। और उन जन्मदाताओं का पूजा करना, उन संस्कृति में पलना और बढ़ना बड़े गर्व की बात है। तो मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों के माता और पिता आए हैं दोनों, तो वो इस साइड आके और एक ही साथ मतलब अलग अलग कुर्सी में उनको बैठने कष्ट करेंगे। और पूजन दिवस कहलाया, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ, सत्यानाश हो जाता है। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही है, तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। गणेश जी ने माँ बाप का पूजन किया था और माँ बाप ने गणेश जी के ललाट पर स्पर्श करके त्रिलोचन बना दिया। शिव जी कहते हैं मैं तो महादेव, लेकिन तुम महादेव के भी आदि देव हो जाओगे बेटे। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा ऊंचा हो। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। सामने दोनों हाथ करके और आंख बंद होना चाहिए, दोनों सभी बच्चों के आंख बंद होना चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं पूर्व सरपंच पथरौला, मैं हृदय से
अभिनंदन करता हूँ आपका। माता पिता भाव विभोर होकर